मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाए जाने तथा महिला उत्पीड़न की रोकथाम व महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से मंगलवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में जागरूकता शिविर व महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह द्वारा विभाग में संचालित होने वाली महिला केंद्रित योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई व इसके उपरांत सदस्य निर्मला द्विवेदी द्वारा विभागीय योजनाओं व उनकी स्थिति के में समीक्षा की गई, जिसमें समाज कल्याण, महिला कल्याण, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व व सुरक्षा विभाग से चलाए जाने वाली योजनाओं की जानकारी व तत्कालीन स्थिति से अवगत कराया गया तथा महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया तथा न्यायिक तहसीलदार नीलम तिवारी द्वारा निर्वाचन के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान जिला प्रोविजन अधिकारी सरजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, महिला कल्याण अधिकारी तुहिना दास गुप्ता, वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रबंधक पूजा पांडे, जिला समन्वयक महिला शक्ति केंद्र राशि कौशिक, महिला थाना प्रभारी वरुण समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में रखा गया है, उसमें हमारे कुछ साल की महिलाएं भी आई हुई जो अपने एप्लीकेशन के लिए पूर्व अभी इलेक्शन का समय तो हम उसकी चर्चा भी कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर प्रतिभाग करें इसके लिए हम लोग ये बात कर रहे थे। इन महिलाओं से स्कीम्स के बारे में बात करें, विशेष तौर से जो महिलाओं की स्कीम्स हैं उसके संबंध में बात करते हैं। तो हाँ, एक परिचय भी मैं शुरू करना चाहूँगा कि आप लोग शुरू करें। नमस्कार, मैं निर्मला द्विवेदी राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ और राज्य महिला आयोग के द्वारा हर महीने के पहले, प्रथम और तृतीय बुधवार को हर जिले में सुनवाई की जाती है पूरे यूपी में। तो हम पूरा महिला आयोग महीने के प्रथम बुधवार को और तृतीय बुधवार को जिसको जो जिला मिला है उस जिले में जाकर के महिला जन सुनवाई करते हैं। महिलाओं की समस्याओं का समाधान तुरंत करने की कोशिश करते हैं और अगर विलंब हुआ तो अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वो इस कार्यवाही को आगे करके महिलाओं की समस्याओं का समाधान करें। तो माननीय आयोग का ये उद्देश्य रहता है कि जब जब भी ये और कोई मास्क नहीं लगाया है, मीडिया भाई लोग अपना काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं और बिना मास्क के हम दिखाई देंगे तो ये बड़ी गलत बात है। उनकी भी जानकारी दी है, इसीलिए अब सुनवाई के साथ साथ कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है और दोनों को एक साथ लेकर के चला जा रहा है। और ये माननीय आयोग का इसकी क्रम प्रत्येक दिशा के बारे में बताया है, प्रदेश के हर जनपदों में एक रूटीन के 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर है। इन चार तिथियों को सारी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो अपने बूथों पर उपलब्ध रहेगी। आपके आस पास रिलेशन में यदि कोई व्यक्ति है जो मतदाता बनना चाहता है या 1 जनवरी 2022 को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो वो अपना नाम दर्ज करवा ले। उसमें 2 फोटो, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आप जितने बीएलओ हैं वो बीएलओ बीएलओ भी है शहर विधानसभा क्षेत्र की, तो इस समय मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें है कि वोटर सूची लोग डोर टू डोर जाकर के पढ़ती है और उसके दौरान जिसका नाम गड़बड़ हो गया है चाहे कोई नया वोटर है तो उसको वो लोग ऐड करती है। मोटे बात हुआ है, देखिए ऐसे बुरा तरीका से मेरी माता की हाल हो गई। हम नहीं देख सकते हैं, हम हार्ट के पेशेंट हैं, इतना खतरनाक फोटो नहीं देखे तो देखा जा कौन सुनवाई खाने से होता ना। हाँ, आपका माता जी के जतन कर तो भाई कहाँ है, भाई हमारे कहाँ पर है, भाई नहीं ना है तो माता जी भाई की मेरे। हाँ, वो गांव कौन सा है? मुजावली।
मुजौली हाँ मैं हमारे यहाँ राज्य महिला आयोग में महीने के प्रथम बुधवार को और तृतीय बुधवार को पूरे यूपी में के हर जिलों में आज एक साथ जन सुनवाई हो रही होगी। सभी आयोग के सदस्य अपने अपने जिलों में गई होंगी और वो जो महिला जन सुनवाई कर रही होंगी। सरकार की सारी योजनाएं, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हम उनके बारे में सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हैं और वो कहाँ तक चल रही हैं, उनकी क्या पोजीशन है, वो मतलब कितना और अच्छे ढंग से हो सकें, महिलाओं को कितना लाभ मिला, कितने लाभार्थी हुए और अभी वो मतलब उसका स्तर क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं सभी अधिकारियों के साथ और उसके बाद हम महिला जन सुनवाई करते हैं। महिलाओं की समस्याओं का, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास रहता है और अगर आज मौके पे हो जाता है तो बहुत अच्छा है, किसी कारणवश अगर आज नहीं हुआ तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, अधिकारियों से आदेश दिया जाता है कि वो इस तरह से करके इस परेशानी को दूर करें उनको, ताकि वो स्वस्थ और एक सुखी जीवन बिता सकें। सबको सबसे ज़्यादा समस्या तो ये होती है कि उनके माने सबको अपने पति से ही दिक्कत है, किसी की दोस्ती किसी से होती है तो कहीं सास परेशान कर रही हैं और सबसे पति के बाद सास। और मैं समझती हूँ कि इस ज़माने की सास को तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सके। सास तो होती है, माँ बाप शादी करते थे तो ये सोच पूछते थे कि पहले ये बताओ सास ससुर हैं घर में कि नहीं, जिस घर में सास ससुर नहीं होते थे वहाँ जल्दी लोग शादी नहीं करते थे। तो सास ही परेशानी का कारण बन जाए, ये बड़े दुख का विषय है और मैं सभी माताओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ उस आप सबके माध्यम से कि वो ये समझें कि वो भी कल बहू थी और उनके साथ क्या हुआ जो आज की बहुओं के साथ ना हो। वो जब तक आज की माताएं इस बारे में जागरूक नहीं होंगी, वो अपने बच्चों को, अपनी बहू को भी अपना बच्चा समझे और वो समझ के अपने घर को, वो उसके घर की सबसे बड़ी दौलत है। बहुत पहले से कहा गया है कि वो घर की लक्ष्मी है, उनका आदर करना चाहिए और उसे सिखाना चाहिए, बच्चा है धीरे धीरे सीखेगा, ना कि उस पर एक्शन लेके घर से बाहर निकाल दो, छोटे छोटे काम के लिए उसको परेशान करो। अगर वो ऐसा नहीं समझती हैं, कल उनकी बेटी के साथ भी ऐसा होता है तो उन्हें कैसा लगता है। इस नाते आप सबके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं सभी माताओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो परिवार को सुखी रखने के लिए बहुत पहले से उनकी अहम भूमिका रही है और उन्हें बहू को भी बेटी की तरह सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए और अपना बनाना चाहिए, प्यार से अपना बनाना चाहिए ताकि उनका गृहस्थ जीवन उनकी बहू चला सके, ना कि वो असुरक्षित महसूस कर सके ससुराल में। हमारे पास तो ऐसे ही मामले आते हैं, सास से ही ज़्यादा महिलाएं दुखी होती हैं। मैं सभी अधिकारियों से यही समझती हूँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिले हैं और वो महिलाओं पे इतना ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं के सुखी रहने के लिए इतनी सारी योजनाएं निकली हैं। हम लोग हमेशा जानकारी करते रहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और हम सबका पूरा प्रयास होता है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभान्वित हों, उनको लाभ मिले, सरकार की योजनाओं का पूरा मतलब घर घर में पहुँचे और जनता जाने कि हाँ सरकार की योजनाएं हैं। जो नहीं भी जानती हैं बहनें या अपनी कोई समस्या लेके आती हैं, हम उनको पूछते हैं कि अगर वो विधवा हैं तो पूछा जाता है कि आपको विधवा पेंशन मिलती है कि नहीं, आपको आवास मिला है कि नहीं, आपको सरकार की जानकारी के बारे में आपको पता है कि नहीं योजनाओं के बारे में, और DPO साहब के द्वारा या जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा ये कहा जाता है कि इन बहनों को अगर ये नहीं मिला है, इस लाभ से ये वंचित हैं, तो इन्हें सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले ताकि ये उससे सुखी हों और इनका भी जीवन सुंदर हो।